नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। मैथिली ठाकुर के ट्विटर पोस्ट से मचा हड़कंप। दिल्ली से पटना लौटने के दौरान इंडिगो कर्मचारी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। बिहार यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे चुनावी रणनीतिकार, जनसुराज के मुद्दों पर रखी अपनी बात। सुल्तानगंज में दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला आया सामने, पीड़िता ने लगाई पुलिस से गुहार। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने उमड़ी लोगों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सूबे में एकमात्र विपक्षी दल भाजपा लगातार सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं की आलोचना कर रही है। इसको लेकर गुरुवार को भाजपा की ओर से बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भागलपुर में जन आक्रोश मार्च निकाला गया। जन आक्रोश रैली घंटाघर से निकल कर समाहरणालय कचहरी चौक के पास समाप्त हुई, जहां भाजपा नेताओं ने बढ़ते अपराध और बदतर हो रहे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस दौरान अपनी मांगों को लेकर भाजपा नेताओं ने कहा कि शहर के बीच घनी आबादी वाले मोहल्ले के श्रीनिकेतन अपार्टमेंट में अपराधी घुसकर हत्या की घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रह जाती है, जबकि इस तरह की घटना से भागलपुर के लोगों में दहशत का माहौल है और सभी लोग अपार्टमेंट के काट की मौत से मर्माहत हैं। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चुनाव वोट से नहीं बल्कि बुलेट के बल पर जीतना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और कानून व्यवस्था भी समाप्त होकर जंगल राज की ओर बढ़ती जा रही है। साथ ही कहा कि व्यापारियों से रंगदारी लूट छिनतई हत्या जैसे कई आपराधिक मामले भी बढ़ गए हैं, जबकि खुलेआम घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। जिस प्रकार भागलपुर में पिछले कई हफ्तों से, और केवल भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार की लूट और हत्या की घटना घट रही है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज भागलपुर के अंदर आक्रोश मार्च निकाली है। और लग रहा है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं वह एक पॉलिटिकल टूर पर हैं और पूरे बिहार को अपराधियों के हाथ में सौंप दिए हैं। लगता है कि उनको जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, यह सपना वो बैलेट से नहीं बुलेट से लगता है वो तय करना चाहते हैं, इस सपना को पूरा करना चाहते हैं। यह हम लोगों को, पूरे बिहार की जनता यह देख रही है और बिहार की जनता तय करेगी कि बैलेट से हमको सरकार बनाना है या बुलेट को समर्थन देने वाले लोगों को हमको चुनना है। दिल्ली से पटना लौट रही बिहार की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के साथ इंडिगो के स्टाफ के द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मैथिली ठाकुर ने बताया कि इंडिगो स्टाफ ने जानबूझकर उन्हें लाइन से अलग खड़ा कराकर उनकी इंसल्ट की। वहीं इस मामले पर मैथिली के पिता ने कहा कि सेलिब्रिटी होने के कारण उनकी बेटी के साथ इंडिगो स्टाफ द्वारा जानबूझकर ऐसी हरकत की गई जो सही नहीं है। इसकी जानकारी मैथिली ठाकुर ने पहले ट्वीट कर साझा की। इधर पूरे मामले को लेकर मैथिली ठाकुर ने बताया कि दिल्ली से पटना आने के क्रम में उनका सामान अंदर रखा जा चुका था, जबकि उनका इंस्ट्रूमेंट साथ ही था जिससे उन्हें साथ लेकर आना था। उन्होंने बताया कि वो हमेशा अपने साथ ही अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर ट्रैवल करती है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तेजेंद्र सिंह नामक स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और सामान फ्लाइट में अपने साथ नहीं ले जाने की बात कही। मैथिली ठाकुर ने कहा कि स्टाफ ने उनसे कहा कि आपको यह भी पता नहीं है कि इतना सामान अंदर नहीं जाता, और इसके बाद उन्हें काफ़ी देर तक अलग खड़ा कर दिया गया जिससे सैकड़ों लोगों के बीच वो काफ़ी आहत महसूस कर रही थी। आज सुबह सुबह की फ़्लाइट थी 6:30 बजे की और मैं बिल्कुल समय से पहुंची हुई थी। हम लोग का सामान जो भी होता है चेक इन में वो गया, और उसके बाद
इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हम लोग हाथ में ही रखते हैं, क्योंकि वो पटका पटकी होता है तो सारा का ट्यून वो सब हो जाता है। और वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग हमेशा ऐसे पैक करते हैं जो आराम से फ्लाइट में चला जाए। अभी तक मैंने जितने भी 100, 150, 200 फ्लाइट में मैंने ट्रैवल किया है, मैं जाती हूँ तो मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट जाता ही जाता है। तो हम चार लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली से पटना, और पटना में मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम है आज इसीलिए। तो जब हम लोग बिल्कुल एयरक्राफ्ट में घुसने लगे, उससे पहले सब चीज़ ठीक था, सब जानकारी थी सबको कि बैग ऐसे सब कुछ। जैसे एयरक्राफ्ट में घुसने लगे तो उधर एक तेजेंद्र सिंह नाम का जो स्टाफ था वो एकदम से रूडली बोलता है कि आप इतने सारे बैग कैसे ले जा सकते हैं, आपको मालूम है आप मतलब कुछ तो उसने ऐसा बोला कि आपको मालूम है आप इतने सारे बैग कैसे लेके जा सकते हैं। और उसने इस अंदाज़ में बोला ना कि बिल्कुल मुझे लगा कि ये कैसे कोई ऐसे किसी से बात कर सकता है। तो मैंने बोला इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट है, उसका ना साइड में खड़े हो जाइए। फिर साइड में जब हम खड़े हो गए तो हम लोग 5 मिनट पहले इंतज़ार किए, फिर 5 मिनट के बाद में बोले कि हमें जाने दीजिए, और वो पीछे वाले सभी यात्रियों को जाने दे रहे थे लेकिन हम लोग को साइड में खड़ा कर दिया था। और बात ऑकवर्ड तब हो जाती है जब सारे लोग आपको देखते देखते घूरते हुए, क्योंकि सब मुझे पहचानते थे ऑलरेडी, क्योंकि पटना की फ़्लाइट थी तो मोस्टली बिहार के ही लोग थे। तो ऐसा ही हुआ, फिर मैंने 5 मिनट बाद पूछा कि हमें जाने दीजिए, तो बोले नहीं ऐसे कैसे जाने देंगे, आप बैठिए, मतलब आप अभी इंतज़ार करिए। और उसके बाद बोले कि अगर आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं तो हम आप वेरीफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं बोली हम लोग चार लोग हैं और तीन हमारा बैग था, और वो भी सब वे किया हुआ था कि एयरक्राफ्ट में जा सकते हैं। मैं बोली कि आपको जिससे वेरीफाई करना है आप जल्दी से करिए और हमको जाने दीजिए। फिर भी उन्होंने और वेट कराया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी बिहार यात्रा के दौरान गुरुवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के सभी जिले में चल रही जनसुराज के बैनर तले लोगों से जनसंवाद कर जागरूक किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने भागलपुर के स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें जनसुराज के मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और उन पर वह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी लोग यह जानते हैं कि एक माह पूर्व तक नीतीश कुमार किसके साथ थे, अब कहाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट कर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के सवाल पर कहा कि सो कॉल्ड पीएम मटेरियल किसी से भी जाकर मिलते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। साथ ही राजनीति की एवीसी नहीं आने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके अलावा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अगले एक वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का वादा पूरा कर लेते हैं तो वे अपना जनसुराज अभियान वापस ले लेंगे और उनके साथ खड़े होकर उनका झंडा बुलंद करेंगे। से बिहार में आज जो स्थिति है, चाहे नीतीश जी या दूसरे लोग, जिन लोगों ने भी बिहार को चलाया है पिछले 10, 20, 50, 40, 50 सालों में, वो जो कुछ भी उन्होंने काम किया या करने का दावा करते हैं, अगर उन सारी बात को आप मान भी लीजिए तो भी इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में ही रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन इस राज्य से होता है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है, एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है, आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है, बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए, हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 7 राजगंगापुर गांव से 3 बच्चों की मां को पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़िता प्रियंका देवी का कहना है कि उसकी शादी 21 अगस्त 2011 को भागलपुर के अलीगंज अम्बाबाग निवासी सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह से हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुई थी और अगले 2 वर्षों तक उन दोनों के संबंध मधुर चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उसके पति सिंटू शाह, जेठ मंटू शाह और कैलाश शाह के साथ दोनों जेठानी ने मिलकर उस पर दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसमें उससे 50,000 नगद के अलावा सोना चांदी की भी मांग की जाने लगी और दहेज नहीं देने पर उसके साथ गाली गलौज एवं मारपीट शुरू कर दी गई। प्रियंका देवी ने बताया कि एक दिन उसके पति शैलेंद्र शाह ने उस पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से वह अपनी जान बचाकर बाबरगंज थाना पहुंची और पूरी घटना बताकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे 2 पुत्र आयुष कुमार एवं सानू कुमार और 1 पुत्री राजनंदनी कुमारी है, जिनकी उम्र 7 से 10 वर्ष है, लेकिन पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही कहा कि बाबरगंज थाना पुलिस ने उसके पति शैलेंद्र शाह से पैसे लेकर उस पर कार्यवाही नहीं की। वहीं इसके बाद मामले की शिकायत भागलपुर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों और सुल्तानगंज थाने को भी लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की गुहार लगाई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा भागलपुर न्यायालय में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद अपने 3 बच्चों को लेकर पीड़िता प्रियंका दर दर भटकने को मजबूर है। सिंटू शाह मेरे पति का नाम है, सिंटू शाह, घर हुआ भागलपुर अम्बाबाद अलीगंज। सिंटू शाह से शादी हुआ था जी, उसका पिता क्या नाम है? उनका पिता का नाम है स्वर्गीय श्यामलाल शाह। कहाँ का रहने वाला है? भागलपुर अली अम्बाबाग अलीगंज। तो क्या हिंदू रीति रिवाज के साथ? हाँ, मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुए हैं। जो भी मेरे माँ बाप को जुड़े बसे उतना सा जो भी अपना खुशी से होते हैं दे करके शादी विवाह करवाएं। शादी होने के बाद क्या मजरा हुआ, कितना दिन तक सही रहा? शादी होने के बाद 2 साल ठीक ठाक से रखें, दो साल से ठीक ठाक रखें। उसके बाद 3रा साल घुसते घुसते दहेज मांग करने लगे, तुम इतना रुपया 50,000 रुपये मांग के ला, 2 भर सोना 15 भर चांदी मांग के ला, तब तो रहने देंगे। किससे मांग के ला? मेरी माँ बाप से मांग रहे थे जी, मुझे जी। पापा नहीं है, पापा डेट कर गए हैं। कौन मांग रहे थे? मेरे पति मांग रहे थे, भैसुर मांग रहे थे, मंटू साहब, कैलाश साहब, सभी मिले हुए हैं। 2 गोतनी है, अनीता देवी, दोनों का नाम अनीता देवी है। सब मिल के मांग? हाँ, सब मिल करके मांग किए कि पैसा, हाँ, अपने माँ से पैसा मांग करके ला, गहना जेवर जो भी है पहले मांग के ला, तब तो रहने देंगे, नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो रखते रखते उसके बाद तो हम नहीं सोचे कि ऐसा करेंगे, कुछ दिन फिर जैसे वेट किए कि देखते हैं ऐसा नहीं करेंगे, तो करते करते रखते रहते फिर इसी तरह उनका भाई लोग भौजाई लोग सब उनको बोले कि पहले बोलो ला करके देंगे, नहीं देंगे तो उनको जो है जान से मार दो। क्या मारपीट करने लगा? हाँ, मेरे पति क्या चीज़ से मारने लगे? मारपीट करने लगे, पटक करके मारपीट, घर में बंद करके ताला लगा करके जो है लात मुक्का घुस्सा, घर से कहीं तुमको जाने नहीं देंगे, जान मार देंगे, फांसी लगा देंगे, यही सब। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कहलगांव चौधरी टोला स्थित आवास पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान लोगों ने सदानंद सिंह के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा और भाजपा समेत कई दलों के नेताओं ने शामिल होकर उनके कार्यों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर बारी बारी से संबोधित भी किया। वहीं कई नेताओं ने सदानंद सिंह के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर बिहार का विकास करने की बात कही। बता दें कि सदानंद सिंह कहलगांव विधानसभा से 9 बार विधायक रहे, जबकि इस दौरान वे जल संसाधन मंत्री के अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदानंद बाबू के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग पूरे विधानसभा का ही नहीं सिर्फ पूरे बिहार से गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं। आज इनकी पुण्यतिथि है, आज के दिन ही इनका देहावसान हुई थी। ये हमेशा के लिए अमर रहेंगे। ये वह शख्सियत थे जो हर क्षेत्र में अपनी अमरता छाप छोड़े हुए हैं।
विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में उनका जो योगदान पूरे विधानसभा क्षेत्र में रहा है वह हम लोग कभी भुलाए नहीं सकते हैं। इनका हम लोग सदा के लिए ऋणी रहेंगे। यह जब तक रहे शेरे बिहार के नाम से जाने जाते थे। पूरे बिहार में चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। भारतीय ईंट निर्माता महासंघ एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर गुरुवार को भागलपुर ईंट निर्माता संघ की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना का आयोजन समाहरणालय परिसर में किया गया। इस दौरान धरना दे रहे लोगों ने GST में बढ़ोतरी किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कमी लाई जाए जिससे ईंट के सरकारी दर में बढ़ोतरी की जा सके। संघ की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोयला के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने, सरकारी कार्यों में लाल ईंट पर प्रतिबंध समाप्त करने और जल फ्लावर मोइन तालाब नहर एवं नदियों के गाद की निकासी के लिए निर्माताओं को मिट्टी उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही और भी कई मांग को लेकर धरना दिया गया। भागलपुर ईंट निर्माता संघ के कर्मियों ने कहा कि अभी तो ईंट के बिक्री पर रोक लगा दी गई है जिससे वे लोग ईंट नहीं बेच पा रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर उन लोगों की सारी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कटिहार पुलिस ने बीते 2 सितंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कटिहार SP ने बताया कि इस मामले में 7 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस हत्याकांड में पूर्व मेयर दिवंगत शिवा पासवान के भाई भैया राम की भी संलिप्तता सामने आई है। SP ने बताया कि कटिहार नगर थाना क्षेत्र में 2 सितंबर की देर रात्रि 2 युवकों को गोली मारी गई थी जिसमें एक युवक पप्पू सिंह की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। साथ ही कहा कि घटना का कारण पूर्व की आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। नगर थाना अंतर्गत 2 सितंबर की रात्रि को गोलीबारी की घटना हुई थी जिसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। उसमें नगर थाना के द्वारा 538/22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस केस का अनुसंधान SIT के द्वारा प्रारंभ किया गया। चैलेंजिंग केस था परंतु इसको बहुत ही बारीकी से अनुसंधान करके इसका उद्भेदन हुआ है। इसमें करीब अभी 7 लोग पकड़ाए हैं। जो मेन अभियुक्त जिसने गोली मारी है, गोली चलाई है, वो मनीष कुमार उर्फ गोलू है। वो इसी ड्राइवर टोला का रहने वाला है। इसी ने जो है गोली चलाई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बढ़ते अपराध के खिलाफ भाजपा ने निकाला आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। मैथिली ठाकुर के ट्विटर पोस्ट से मचा हड़कंप, दिल्ली से पटना लौटने के दौरान इंडिगो कर्मचारी पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। बिहार यात्रा के दौरान भागलपुर पहुंचे चुनावी रणनीतिकार, जनसुराज के मुद्दों पर रखी अपनी बात। सुल्तानगंज में दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला आया सामने, पीड़िता ने लगाई पुलिस से गुहार। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने उमड़ी लोगों की भीड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।